नमस्कार, मैं मनोज अरोरा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। इस वक्त हम आपको बता दें, डबुआ थाने के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और हमने 6 अप्रैल को एक खबर चलाई थी जिसमें कुछ बेजुबान जानवर जो थे केमिकल से जलकर मर गए थे। डबुआ में वो इस कंपनी स्थित थी, ये वो महिला थी उस वक्त जिन्होंने उस वक्त आवाज उठाई थी, लेकिन इन्हें वो आवाज उठानी इतनी भारी पड़ रही है कि इन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और कुछ एलिगेशन भी लग रहे हैं। जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है? आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला बताइए। सर, ये मेरा भी केस चल रहा था, आपको पता था 6 अप्रैल को आप लोगों ने इसको चलाया था, आपने लाइव चलाया था। अब ये मेरे ऊपर ही केस फाइल कर रहे हैं कि मैं उसको मारने की धमकी दे रही हूँ, 10-15 लड़के लेके गई हूँ मारने की धमकी दे रही हूँ और 50,000 रुपए की फनौती मांग रही हूँ। इनसे पहले ये पूछो कि मैं 50,000 रुपए का करूंगी क्या? और मैं कोई आतंकवादी थोड़ी ना, कोई गुंडा बदमाश थोड़ी ना, हम लोग हम तो पशु प्रेमी हैं, हम ये गलत काम नहीं करते, कोई भी ऐसे कामों के लिए हम लोग नहीं बने हैं, ठीक है। अब ये मेरे को जब मैं सिद्धार्थ जैन के यहाँ गई थी, जो ये मेरे पे एलिगेशन लगा, सिद्धार्थ जैन कौन? सिद्धार्थ एंड कंपनी जिसपे ये केमिकल जो मालिक जो यहाँ पे, हाँ जी, जिस कंपनी में कुछ जानवर थे जो जले थे केमिकल से जले थे। आज इन्होंने क्या करा मेरे साथ, जिस बंदे को आपने क्या कहते हैं फॉलो किया था, जो बंदा वहाँ पे उस टाइम पे था प्रेजेंट में, आज इन्होंने वो पर्सन ही चेंज करके सामने कोई और खड़ा कर दिया। ये कह रहे हैं कि ये सिद्धार्थ जैन है, क्योंकि सिद्धार्थ जैन जब फर्स्ट डे मेरे पास जो आए थे वो कोई और पर्सन थे, वो ये नहीं थे, ठीक है। अब ये मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैं पैसे मांग रही हूँ, इन्हें मारने की धमकी दे रही हूँ। क्या मैं एक सिंगल लेडी हो के क्या मैं इनको मार सकती हूँ? लेकिन उस समय तो समझौता कर लिया गया था, क्योंकि पुलिस डबो पुलिस थाने में आए थे, उस समय तो समझौता कर लिया गया। सर, मेरे पास 6 तारीख को समझौता हुआ था, आप लोगों के सामने ही हुआ था, सभी बिरादरी के सामने समझौता हुआ था। तो उन्होंने ये मेरे से बोला था कि जो उन बच्चों पे खर्चा लगेगा, जो उन पे दवाइयों का खर्चा होगा मेडिकल का, वो मैं सारा पे करूंगा। जब मैंने 7 तारीख को 7:30-8 बजे कॉल किया तो इन्होंने क्या मुझे बोला कि हम दे देंगे। उसके बाद इन्होंने मेरे पे गलत एलिगेशन लगाए जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। इन्होंने मुझे धमकी दी, मैं तेरे को कोर्ट में घसीडूंगा, मैं तेरे को थाने लेके जाऊंगा, और क्या कहते हैं तू हमें हरासमेंट कर रही है। तो मुझे हरासमेंट का मतलब नहीं पता, इन लोगों को ज्यादा पता, मुझे नहीं पता। जब आपका समझौता हुआ था उस वक्त बिल देने की बात हुई थी, हाँ, कि बिल के जरिए जितना भी पेमेंट होगा वो दिया जाएगा, उसमें से कितने बिल की पेमेंट आपको मिली है अभी तक? सर, 1 रुपया भी नहीं मिला। फर्स्ट डे का जो बिल था वो मैंने इन्हें भेजा था, वो 2357-56 रुपए का, पता नहीं 2756 रुपए का, मेडिकल है बच्चे का मेरे पास लिखा हुआ सारा कुछ। वो इन्होंने मेरे से, इन्होंने उल्टा मेरे को जब मैंने बिल भेजा तो इन्होंने मेरे को ही बहुत अपशब्द बोले गए हैं, गंदे से गंदे जो ये बोल सकते हैं मेरे से। और आज भी मेरे पे गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, और जिस कंपनी के ऊपर मैंने केस फाइल कराया है, और जब मैं, मेरे को पुलिस वालों ने ही सलाह दी थी, बाकी कुछ और लोगों ने भी सलाह दी थी कि आप केमिकल वालों के पास जाओ, वहां पे इनके लिए कंप्लेंट डालो। जब मैं उनके पास गई, उन्होंने क्या बोला, हम आ रहे हैं आप चलो। मैं वहां पे नहीं पहुंच पाई, उससे पहले वो सर पहुंच गए, ऑफिसर पहुंच गए। अच्छा। उन्होंने सारा विजिट किया, वहां पे कुछ भी नहीं मिला था, ठीक है। उन्होंने कहा सर मैम आप भी आके अंदर देख लो, तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे अंदर, क्योंकि हम सेकंड पार्टी है और हमारा केस चल रहा है उस पे। उन्होंने फिर भी हमें जबरदस्ती अंदर बुला के दिखाया कि आप भी चेक कर लो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सच में कुछ भी नहीं मिला। अब वो उस बारे में क्या कहते हैं कि आपने हमें गालियां दी, आपने मुझे गंदा बोला। जब गालियां देने की बात आई थी तो सर मुझे सिद्धार्थ जैन से, जो उनके फादर थे और उनका लड़का था हैवी सा काला सा, उसने क्या बोला मुझको कि मैं 1 लाख रुपए पुलिस वाले को दे के आया हूँ और मैं तुझको ही उल्टा फंसाऊंगा। अच्छा, उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपए पुलिस वाले को दिए? हाँ जी, वो ये कह रहे हैं मैंने 1 लाख रुपए पुलिस वाले को दिए हैं, जबकि हाँ पुलिस वाले के सामने में बोला थे यहीं पे। अच्छा, पुलिस वाले के सामने में बोल दिया था। हम लोगों ने हल्ला किया था ना एफ आई आर की कॉपी के लिए 15 दिन बाद, तो खुद कह रहा है बाहर की इतना दिया है उखाड़ ले जो उखाड़ना। ये अपना नाम बताइए आपको ना। सॉरी, मैं भी एक पशु प्रेमी हूँ, मैं आया था क्योंकि हमारा एक PFA ग्रुप है, हमारा एक PFA ग्रुप है, वो जितने भी है सारे PFA ग्रुप के वॉलंटियर्स हैं, सारे पशु प्रेमी जी। ये देखिए, पुलिस के ऊपर इस वक्त गंभीर आरोप लग रहा है कि इन्होंने बोला कि 1 लाख रुपए जो है पुलिस ने लिए, आरोप लगाया जा रहा है। बाकी और आगे जानते हैं। उस वक्त 4 शर्तें रखी गई थी समझौते के टाइम पे कि ड्रेनेज बनेगा, नाली साफ होगी, तो उनमें से कौन कौन सी शर्तें जो है पूरी की गई है, कुछ की गई है कभी? सर मैं तो वहाँ पे गई नहीं अभी तक, मैं जब केमिकल वालों के साथ ही गई थी तो तभी उन्होंने मेरे पे गलत एलिगेशन लगा दी है। बाकी मेरे को नहीं लगता कि अभी तक उन्होंने ठीक करा है, क्योंकि जब मैं 10 से 15 दिन बाद भी गई थी तब भी यही कंडीशन थी, उसकी भी पिक्चर्स मेरे पास हैं। ये कह रहे हैं कि हमने जल्दी ठीक करा लिया था या करवा रहा हूँ, उसकी भी मेरे पास पिक्चर है, वो ठीक नहीं हुई थी। आप कहोगे तो मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा दूंगी। जो वो कुत्ते जो जल गए थे उनका क्या हुआ, क्योंकि इन्होंने तो खर्चा दिया नहीं,
तो उनका क्या हुआ, उनका कैसे इलाज कराया गया? सर जिस मैं पीएफए में जिस ग्रुप में मैं हूँ वहाँ पे सभी ने अपना अपना बेस्ट किया, सब ने डोनेशन दी मेरे को, कुछ मेरा अपना भी रहा है उसमें कि, और उन बच्चों का ट्रीटमेंट हो गया। एक बच्चा उसमें से स्वस्थ है पहले से, और एक बच्चे के दोनों लेग्स एक साइड में लेफ्ट वाले, दोनों लेफ्ट वाला फ्रंट और लेफ्ट वाला बैक दोनों ही खत्म हो चुके हैं बिल्कुल भी, और डॉक्टर ने भी सर्जरी के लिए मना कर दिया क्योंकि उन बच्चों के पैर बिल्कुल, हड्डियां जो बिल्कुल क्रैक हो चुकी हैं, केमिकल इतना खतरनाक था। अब पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद है, क्या कहता है पुलिस प्रशासन, क्योंकि आप दोबारा से डबुआ थाने में आए हैं, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है, क्योंकि समझौता जो हुआ था पुलिस के सामने हुआ था, पुलिस द्वारा ही कराया गया था, तो आप क्या कह रहे हैं? सर मेरे को तो कुछ लग ही नहीं रहा कि क्या समझौता हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ, ये तो मेरे पे ही उल्टे एलिगेशन लगा रहे हैं। ये बार बार मुझे यही बोलते हैं कि जिस कंपनी में आपने केस फाइल किया है वो तो कंपनी, वो कंपनी है ही नहीं, वो तो लोन प्रोवाइड करवाती है। आप ये बताओ एक जगह एक कंपनी चल रही है, उस कंपनी में लोन का काम कैसे चल सकता है? उस दिन केमिकल दिखा था वहाँ पर, दिख रहा था, वो लोन कैसे प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि वो तो सारे प्रूफ थे और हमारे द्वारा खबर भी चलाई गई थी। ये बयान किसका है कि ये कंपनी नहीं है, लोन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है? सर ये डंदर एक पुलिस वाले हैं, क्या नाम है, महेश जी की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो बार बार मुझे इस चीज के लिए बोलते हैं, बार बार वो मेरे पे दबाव डाल रहे हैं कि ये कंपनी लोन प्रोवाइड करवाती है, आप गलत कंपनी पे एलिगेशन लगा रहे हो, जबकि ये सारा कुछ झूठ है, वो केमिकल ही बनाती है। आपने फर्स्ट डे से इस खबर को चलाया है सर, और आप ये दोबारा खबर दिखाओ कि वहाँ पे क्या हो रहा था, क्योंकि मेरे साथ तो गलत हो रहा है, मेरे पे गलत एलिगेशन लग, क्या मैं एक फीमेल होके इन इतने बड़े बड़े आदमियों को क्या मैं मार सकती हूँ, क्या मैं फनौती की डिमांड कर सकती हूँ? ही उस चीज को घुमाते जा रहा है कि ये कंपनी ही जिस चीज के लिए आप देखिए, हम आपको बताएं कि उस दिन हमने खबर चलाई थी, वहाँ पर बाकायदा केमिकल था, वो खबर हमने चलाई, आप 6 अप्रैल की खबर देख सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल था, जो कि बाद में पुलिस जब आई उसके आने से पहले केमिकल को हटा दिया गया। लेकिन आज इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो अंदर महेश है पुलिस वाले, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई केमिकल नहीं था, वो लोन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। अगर जो पुलिस प्रशासन से जो महेश है वो अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो भी रखे, जानते क्या उनके आरोपों में कुछ भी सच है या झूठा, उनसे भी एक बार हम पूछेंगे। लेकिन आगे कपड़ा, ये कपड़े की दुकान पे परचूना थोड़ी ना बिक जाएगा, आप खुद समझ रहे हो कि परचूने की दुकान लिखी होगी तो कपड़ा कैसे प्रोवाइड वहाँ पे करवा देंगे, जो वहाँ से चढ़ा हुआ है एमसीएफ में। ये बार बार यही बोल रहे हैं कि वहाँ पे इनका इसी चीज का काम है, जो इनके पेपर है, इन पुलिस वालों का कहना मेरे पास ये है कि जो इनके पेपर हैं वो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये कंपनी जिस जगह पे ये कंपनी है उस जगह पे लोन प्रोवाइड होता है। फिर अगर लोन प्रोवाइड होता क्या वो बैंक है? अगर वो बैंक है तो वहाँ कंपनी क्यों खोल रखी है आपने? मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और जब इसका केस चल रहा था तो मैं पुलिस वालों को स्पेशली बोल के गई थी, यहाँ तक कि SHO सर को भी बोल के गई थी कि जब भी आप इसे कोर्ट में लेके जाएं तो प्लीज आप मुझे कॉल करें, मेरे पास रिकॉर्डिंग है हर बात की। इन्होंने मेरे को लेके नहीं गए और अब ये कह रहे हैं कि इसकी जमानत हो गई और केस खत्म हो चुका है। इन्होंने जानकारी ही नहीं दी आपको, आप कम शिकायत करता है, शिकायत आपके द्वारा की गई है, कोई जानकारी ही नहीं मिली आपको? नहीं सर मेरे को कोई जानकारी नहीं मिली। इन्होंने कब उसको क्या कहते हैं कि उन्होंने चलान भुगत लिया, चलान के बाद केस खत्म कर दिया, और आज तक मुझे इस चीज की बात पता ही नहीं है। अब आपको जान से मारने की धमकी के अलावा क्या क्या एलिगेशन आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बताइए सर। एक तो मेरे को ये कह रहे हैं हम, तो अगर तू ये केस वापस नहीं लेगी तो तेरे को जान से मार देंगे, और दूसरी बात तेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगा के तुझे फंसा दिया जाएगा, तुझे जेल भेज दिया जाएगा। किस तरह के एलिगेशन? यही कि एक तो तू 50,000 की फनौती मांग रही है, और तू लड़कों से हमें धमकी दिलवा रही है, और ये बार बार कह रहे हैं तू जहाँ जाएगी हम तेरे को पकड़ लेंगे। अच्छा हाँ जी, मतलब वो दादागिरी कर रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है मेरे को, धमकाया जा रहा है, और ये बार बार भी बोल रहे हैं कि हमने पुलिस वाले को पैसा दे दिया हम तेरे को फंसवा देंगे। तो आपने इसकी शिकायत महिला थाने में की है, क्योंकि आप एक महिला है और महिला होने के बाद आपको ऐसी धमकियां दी जा रही है, तो क्या महिला? सर अभी मैंने महिला थाने में नहीं करी है कंप्लेंट, क्योंकि अभी मैं अपने बच्चों के लिए केस लड़ रही हूँ, पहले मेरे को ये ज्यादा जरूरी है, उन बच्चों को टाइम मेरा बहुत जरूरी है देना, इसलिए मैं उन बच्चों को ठीक कर रही हूँ। आप कभी भी आके उन बच्चों को विजिट करके देख सकते हैं कि अभी वो उनकी कंडीशन कैसी है। हम आपको बताएं कि 6 अप्रैल की घटना, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं हम आपको बता दें, 6 अप्रैल की घटना थी, डबुआ चौक पर एक कंपनी स्थित है जिसमें एक केमिकल पाया गया था, वो खबर हमने दिखाई थी। लेकिन आज इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो अंदर पुलिस वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर किसी तरह का केमिकल है ही नहीं, और वहाँ पर लोन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। लेकिन अगर पुलिस वाले अपने इस बचाव में कोई पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, और जो दूसरा पक्ष है जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, सिद्धार्थ
इंश्योरेंस कंपनी, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहे तो वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं। और तीसरा आरोप इन्होंने लगाया कि एक पुलिस वाला को बताया है कि वो 1,00,000 रुपए मांग रहा था, तो अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। हाँ जी, ये बच्चे, मैं जहाँ पे रहती हूँ मेरे ऊपर 2 फ्लोर है, मैंने पूरा 1 फ्लोर खाली करवा के, एक फ्लोर पूरा खाली करा के उन बच्चों को वहाँ पे रखा गया है। जो मेरा रेंट आता था जिससे मैं अपना घर चलाती थी वो मैंने सब बंद कर रखा है। इन बच्चों को वहाँ पे रख के इतना बड़ा कूलर, मैं 7,000 रुपए का कूलर भी लेके आई उन बच्चों के लिए। क्या आपको लगता है कि मैं इनसे पैसों की डिमांड कर सकती हूँ? क्यों, मैं ये घटिया काम तो कर नहीं सकती। फर्स्ट डे से मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा है कि पैसे ले लो और केस खत्म कर दो, जो मैं नहीं करना चाहती। अब मैं नहीं करना चाहती तो इन्होंने चालबाजी खेली, पुलिस वालों ने जाके कोर्ट में जाके पहले से ही केस खत्म कर दिया इन्होंने कि मैं कुछ कर ही ना सकूं। देखिए, एक महिला है जो जानवरों के प्रति प्रेम रखती हैं, उनकी सेवा भाव में हमेशा लगी रहती हैं, जब उनकी जान बचाने जाती हैं तो कंपनी वालों के थ्रू ही इन्हें जान से मारने की धमकी मिलती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप आज के टाइम में किसी का भला करने जा रहे हैं तो आपके साथ बुरा हो सकता है, जैसा कि जीता जाता एग्जाम्पल हमारे सामने है। ये जानवर के साथ भला करने गई तो एक इंसान ने ही इनके साथ बुरा करने की सोची, इन्हें मारने तक की धमकी दे दी है। और हम आखिरी में ये कहते हैं कि जिनके ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाए हैं, चाहे वो 1,00,000 रुपए लेने के हैं या फिर जैसा बता रही हैं कि जान से मारने की धमकी मिली है या फिर वहाँ पर लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है, जितने भी आरोप हैं, अगर वो कोई भी पक्ष अपनी बात रखना चाहता है तो हमारे चैनल पर आके अपनी बात रख सकता है। बाकी की देश दुनिया तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ 100। फरीदाबाद से मनोज अरोड़ा की रिपोर्ट।